हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक पावर बैंक। तो इसके लिए मैंने ले लिया एक ऐसा केस और ये मोबाइल का 3 बैटरीज और ये है कार का चार्जिंग मोबाइल चार्जिंग सॉकेट। दोस्तों, ये चार्जिंग सॉकेट आपको आसानी से मोबाइल की दुकान पर 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि 50 रुपये में ये पावर बैंक बन गया और ये जो बैटरीज है ये आपके घर में पुराना पड़ा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों, ये बैटरीज काफ़ी अच्छी तरीके से आपको चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, मैं इन तीनों बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। सीरीज़ का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा एक का प्लस एक का माइनस, ऐसा करके आखिर में एक साइड में प्लस निकलेगा और एक साइड में माइनस निकलेगा। दोस्तों, मैं इस बैटरी को अभी टेप से बंद देता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों। तो मैंने इसे कंप्लीट कर दिया ताकि ये हिले डुले ना। तो दोस्तों, अब हम ये चार्जर को खोलेंगे। तो दोस्तों, ये चार्जर को खोलना काफ़ी आसान है। इसका ऊपर की साइड एक लॉक की तरह होता है, इसको खोल देते हैं हम। ये खोल गया। तो दोस्तों, आप इसके ये जो चार्जर है इसमें एक साथ तीन तीन मोबाइल चार्ज कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। और आप अगर पबजी प्लेयर है तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। दोस्तों, हमारे घर में जब बिजली चली जाती है या हम कभी कहीं बाहर टूर में जाते हैं तब हमारा पावर बैंक का बहुत ज़रूरत होता है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने ये पावर बैंक को बनाता हूँ। दोस्तों, ये बहुत कम रुपीस में बन जाएगा, देख सकते हैं आप, और आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसका जो ऊपर की माइनस की जो पिन है इसे खोल देता हूँ और इसमें मैं माइनस का वायर सोल्डिंग कर दूँगा। दोस्तों, अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं है तो हमारे चैनल पे जाइए दोस्तों, मैंने आप खुद सोल्डिंग आयरन बनाया हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये सोल्डिंग आयरन आपको बहुत काम में आएगा। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसको निकाल रहा हूँ सोल्डिंग के द्वारा, ये निकल गया। अब हम इसका नाप ले लेंगे दोस्तों। इसका नाप लेने के लिए हम इसको अंदर डाल के इसका नाप ले लेंगे तीनों यूएसबी सॉकेट का। तो चलिए पहले हम सोल्डिंग कर देते हैं इसमें थोड़ा सा। ये हो गया सोल्डिंग। और जो माइनस का वायर है आप अपनी तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, जो माइनस साइड होगा वही आपका काम में आएगा। ये माइनस वाला है, जो सीधा नीचे रहता है वो प्लस वाला होता है। और दोस्तों, ये जो चार्जर है ये आपको 50 रुपये में मिल जाएगा आसानी से। और आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं फिर भी आप ख़रीद सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों इसका। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदेंगे दोस्तों तो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जानते ही है ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आपको आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो चार्जर है ये आपको किसी भी मोबाइल शॉप पर मिल जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसका नाप ले लिया इधर से जो बैटरी है, और ये चार्जर भी इसका अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों, इसका वायरिंग काफ़ी सिंपल है, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको दिक्कत हुआ तो मैं इसका डायग्राम भी बना के आपको दिखा दूँगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको अंदर लगा दिया, देख सकते हैं, और इसका नाप ले लूँगा मैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये आसानी से इधर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शॉर्ट सर्किट का भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये तकरीबन 10,000 mAh का होगा। अगर आप 10,000 mAh का एक पावर बैंक लेने जाएंगे तो आपको 700 से 800 कम से कम खर्चा होगा, या 1500 तक जा सकते हैं दोस्तों। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में बन जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके दोनों तरफ एक मार्क लगा दिया और इसे काट दूंगा मैं अभी। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैं इसको काट दिया और दो होल कर दिया ताकि एक में स्विच लग जाए और एक में चार्जिंग सॉकेट, क्योंकि दोस्तों हमें इसको चार्जिंग भी करना पड़ेगा। दोस्तों, ये तीनों बैटरी मिलके हमारा तकरीबन 10 वोल्ट के आसपास हो चुका है, क्योंकि हमने इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसको अभी अंदर लगा रहा हूँ फिर से। ये मैंने लगा दिया दोस्तों इसको अंदर में। और ये जो देख सकते हैं आप, ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, हम इसको 12 वोल्ट में चार्ज करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी चार्ज होगा दोस्तों 12 वोल्ट में। अगर हम मोबाइल चार्जर से करेंगे तो ये धीरे धीरे होगा,
मैं तो इसको 12 वोल्ट में कर रहे हैं, तो आप चाहे तो आप मोबाइल चार्जर से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। इसका जो माइनस वाला सिरा है, वो हमने जो बैटरी का माइनस वाला सिरा जहाँ जोड़ा था, वहीं से और एक वायर मैंने ले लिया, देख सकते हैं दोस्तों। इसको हम चार्जिंग सॉकेट की माइनस वाले में लगा देंगे, और जो प्लस वाला सिरा है वो हम बैटरी के वायर से लगा देंगे। तो बैटरी के वायर से लगाने से पहले दोस्तों हम इसको बैटरी और चार्जिंग सॉकेट की एक कर देंगे, ताकि स्विच में कनेक्ट हो जाए, क्योंकि दोस्तों चार्जिंग बैटरी में ही होना है, इसलिए दोनों को एक कर दिया। और अब जो दो वायर बचा है, एक हम चार्जिंग सॉकेट की एक जो वायर निकला और बैटरी, वो एक स्विच में लगाएंगे, और दूसरा वाला जो है वो हम स्विच के दूसरे साइड लगाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों ये कैसे लग जाता है, देख सकते हैं दो वायर बाकी रहा हमारा। अभी हम इसका जो सॉकेट है और जो मॉड्यूल है हमारा, चार्जिंग पावर बैंक मॉड्यूल, जो ये आप चार्जिंग मॉड्यूल भी कह सकते हैं इसको, इसको हम यहाँ चिपका देंगे ग्लू के द्वारा। आप डुअल साइडेड टेप से भी चिपका सकते हैं दोस्तों। अब ये USB फीमेल पोर्ट को भी हम यहाँ चिपका देते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। इसको मैंने ग्लू की मदद से चिपका दिया इधर, ताकि ये हिले डुले ना। आप अच्छे से चिपकाइए इसको, देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको लगा दिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये हमारे पास है SPST स्विच, जिसको हम अभी यहाँ सोल्डरिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ सोल्डरिंग करना काफ़ी आसान है दोस्तों। अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देख लिया, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही पाए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों मैं दोनों वायर को दोनों साइड जोड़ के अभी सोल्डरिंग कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ये ऑलमोस्ट सोल्डरिंग हो चुका है दोस्तों। अब ये जो रेड वाला वायर है दोस्तों, ये हमारा चार्जिंग मॉड्यूल से निकला, और ये जो दूसरा है वो हमारा बैटरी से निकला, वो स्विच से होके चार्जिंग मॉड्यूल में जाएगा, क्योंकि हम जब स्विच ऑन करेंगे तब ही हमारे चार्जिंग मॉड्यूल में पावर जाएगा और हमारा चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको भी सोल्डरिंग कर देता हूँ, देखिए दोस्तों। दोस्तों अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है, तो दोस्तों मैंने दो तरीके का सोल्डरिंग आयरन बनाया हूँ, और आगे मैं 5 वोल्ट का भी सोल्डरिंग आयरन बनाऊंगा दोस्तों, जो आप अपने मोबाइल चार्जर से भी ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों, और ये सोल्डरिंग आयरन कभी ख़राब नहीं होगा, देख सकते हैं दोस्तों। मैंने इसे भी सोल्डरिंग कर दिया, अब हम इसको पैक कर देंगे फिर से, देख सकते हैं दोस्तों। मैंने वायर्स थोड़ा लंबा रखा, आप छोटे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वायर थोड़ा अच्छा ही लेना है आपको, देख सकते हैं दोस्तों। मैं ये जो SPST स्विच है इसे अंदर खींच रहा हूँ दोस्तों। आप इस SPST स्विच की जगह बैंड स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने SPST स्विच इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि ये 12 वोल्ट का है जो बैटरी, इसलिए थोड़ा अच्छा वाला स्विच यूज़ किया मैंने। बैंड स्विच होता भी काम चल जाता है, लेकिन ये SPST स्विच थोड़ा अच्छा वाला है, जो बड़ा वाला स्विच होता है वही मैंने यूज़ किया है यहाँ, देख सकते हैं दोस्तों। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ पैकिंग करना ही बाकी रहा, देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको पैक कर दिया दोस्तों। ये काफ़ी आसानी से बन गया, आप ये 100% कर सकते हैं, और इतने कम खर्चे में शायद ही कहीं पर मिलता है ऐसा पावर बैंक दोस्तों। ये हो गया, देख सकते हो दोस्तों, मैंने जब स्विच को ऑन किया तो ये लाइट ब्राइट होना शुरू हो गया, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको टेस्टिंग करके देख लेते हैं चार्ज करता है या नहीं। तो दोस्तों मैंने एक USB ले लिया और इसमें लगा रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पूरा USB को आपको डिस्प्ले के सामने ही रख दिया, ताकि कोई दो नंबर का धंधा नहीं हो। तो देख सकते हैं दोस्तों पावर बैंक का लाइट ऑन हो चुका है, और ये जो मोबाइल है ये स्विच ऑफ था तो ऑन हो रहा है, देखिए दोस्तों इसमें चार्जिंग हो रहा है,
ये हो गया फिर से ऑफ दोस्तों, मैंने ऑन कर दिया, फिर से देखना ये ऑन हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया ऑन, फिर से चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यही शुरू करते हैं, घर पे रहिए, सेफ रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।